नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड पंचायत चुनाव की तैयारियां समाप्त हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसकी तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत गंजेवारी प्रखंड करो से मुखिया शुभलाल मंडल जुड़ने वाले हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया शुभलाल मंडल से। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क में। मुखिया जी बताएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से विकास किया आपने अपने पंचायत का, कितना विकास हुआ है पंचायत का? विकास तो किया है मैडम, बहुत सारा विकास किए हैं। कौन जी मुखिया जी, योजनाएं बहुत सारी हैं, किन किन योजनाओं पे मुख्यतः कार्य किया आपने पंचायत में? पंचायत में मैडम किए हैं जैसे कि आवास, लगभग 700-800 आवास किए हैं, प्रधानमंत्री आवास प्लस ये जल मीनार, 4 जल मीनार है मैडम जी, और 5 जल नल है, PCC लगभग 40-50 PCC है जी। आपके पंचायत में विधवा पेंशन की क्या स्थिति है, उसमें कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? अभी बहुत सारे हमारा नेतृत्व में लगभग 700-800 से ऊपर विधवा पेंशन पास किए हैं, 1000 से प्लस है। और ग्रीन कार्ड योजना की क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? ग्रीन कार्ड भी योजना मिल रहा है जी। आपके पंचायत में मुखिया जी स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? हाँ है, वहाँ पे सारी व्यवस्था सही तरीके से चल रही है? हाँ चल रही है। कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं असुविधा वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जैसे कि बोरिंग नहीं है मैडम, चापाकल के थोड़ा वो पानी का दिक्कत है। मुखिया जी जैसा आप बता रहे थे पंचायत में 4-5 जल मीनार लगाए हैं, और कितनी ज़रूरत है जल मीनार की? बहुत ज़रूरत है मैडम, हर गांव में 2-3 करके होने से अच्छा रहता है। और नल जल का जो कार्य है उस पर कोई प्रगति हुआ है? हाँ नल जल से प्रगति हुआ है, स्कूल में जैसे कि स्कूल में लगाए हैं, मोड पर लगाए हैं जी। स्कूलों में सारी व्यवस्था सही तरीके से है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं? हाँ जैसे कि हम जितना 4-5 स्कूल में भी पूरा सुविधा कर दिए हैं। बाकी शौचालय का कितना निर्माण हुआ होगा मुखिया जी? शौचालय हमारा ODP घोषित हो गया है, ODP पंचायत घोषित हो गया। हाँ जी। और मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए हैं आपके यहाँ? यहाँ मेरा कुआँ हुआ है, लगभग 80-90 कुआँ हो गया है मैडम, और मेटबंदी भी है, ये बकरी सीट भी है जी, बागवानी है। हरित योजना के अंतर्गत जी, हरित योजना के अंतर्गत कितना काम हुआ क्या मैडम? बिरसा हरित योजना उसके अंतर्गत क्या कितना कार्य हुआ है मैडम? 20-25 हुआ है जी। और आपके पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण हुआ या नहीं? नहीं मैडम, खेल के मैदान नहीं निर्माण। इस वक्त पंचायत में क्या समस्या चल रही है मुखिया जी? समस्या अभी के तत्काल में वही पानी का थोड़ा समस्या है ज़्यादातर जी। और ये आपका पंचायत में पहला कार्यकाल है ना, दूसरा? पहला है। तो जिस वक्त आपने जब पंचायत संभाला था उस वक्त क्या बड़ी चुनौती थी इस पंचायत में आपके सामने? क्या मैडम? जिस वक्त आपने पंचायत को संभाला उस वक्त इस पंचायत में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी सामने आपको? चुनौती मेरा सामने थी जैसे कि विकास हम लाए, बहुत विकास सारा लाए, आवास बहुत आदमी का आवास उस टाइम नहीं हुआ था, इस टाइम बहुत आवास कराए सबको जी। और जहाँ तक रहेगा प्रयास मेरा, हम कोशिश करते रहेंगे जी। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, हमारे चाहें के माध्यम से आप अपने पंचायत के विकास के लिए कोई विशेष सुविधा कोई मांग करना चाहते हैं जी? मैडम मांग तो है हमारा विशेष कि स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर है, इनमें कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, ये सब हो जाने से पंचायत में अच्छा रहता जी। जी बिल्कुल, ताकि सुविधा मिले लोगों को। हाँ कम से कम एक पंचायत पर एक एम्बुलेंस रहता, और स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम सप्ताह में एक मैडम आके बैठते तो अच्छा रहता जी।
मुझे ऐसी कितनी उम्मीद है कि दोबारा एक बार फिर लोग आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, कितना कॉन्फिडेंस अंदर से लग रहा है? कॉन्फिडेंस तो हमको ठीक है, बाकी हम तो जनता से यही अनुरोध करेंगे कि यदि हम अच्छा काम किए होंगे तो इस बार फिर हमको चुनेगा, और नहीं किए होंगे तो हमको नहीं चुनेगा। और हम जनता से उम्मीद करते हैं कि जो अच्छा जनप्रतिनिधि रहे उसी को वोट दें, प्लस पैसा में न बिके बस। जी बिल्कुल, जो विकास करे जिससे पंचायत का विकास हो, लोगों को जागरूक होकर उसी को चुनना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया शुभलाल मंडल, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों से बतौर प्रतिनिधि इस पंचायत में हैं, पंचायत के विकास के लिए काम किए हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारी कार्य अधूरे रह गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर भी समुचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, साथ ही एक एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए जिससे लोगों को इलाज में आसानी हो। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।